सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोबिया फातिमा, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज हम लोग आए हुए हैं गया, और अभी हम लोग जाने वाले हैं बोध गया। तो आपको हम पूरा जर्नी का भी वीडियो अपने ब्लॉग में दिखाने वाले हैं गया के बारे में। फिर हम संबोधि रिजॉर्ट भी जाएंगे, तो वहाँ का भी दिखाएंगे। हम आज से पहले जब क्लास 10th में थे तो स्कूल ट्रिप में आए थे बोध गया पटना से। बहुत टाइम हो चुका है, तो इस बार पहली बार फैमिली के साथ आए हैं वंदे भारत से। देखते हैं क्या होता है। हम लोग चलने वाले हैं, सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं बोध गया ट्रिप के लिए। जो है ना, ये आर्मी कैंटोनमेंट है। सो गाइज हम लोग बोध गया आ चुके हैं। हम सबसे पहले जा रहे हैं 80 फीट का मूर्ति देखने के लिए। कितने सारे शॉप, मेरा देखिए तो बाल बुद्ध, गौतम बुद्ध आयाम की फेवरेट है। टोटो भी यहाँ पे, लेकिन हम लोग जाना था। चलिए अब देख सकते हैं कितना ही बड़ा है। ओह माय गॉड, हम पहली बार लाइव में देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 0.5 व्यू में भी आप देख लीजिए गाइस, यहाँ फोटो आए यहीं से अच्छा आएगा। फोटो ले ले, हाँ यहाँ ले लीजिए, ले लीजिए, रुक जाइए एक सेकंड। एक फैमिली फोटो भी अब्बू बोल दिए लेने के लिए, आदमी सामने ही खड़ा था, रुक जाइए, सब लोग फोटो दिया जा रहा था। मूर्ति सही में गजब लग रहा है गाइस, इतना बड़ा मूर्ति। हम पहले भी आए बोध गया, बट ये मूर्ति नहीं देखे थे, मतलब स्कूल की तरफ से आए थे बट यहाँ नहीं आ पाए थे, स्पेशली ये जगह। गाइस हमने लगातार फोटोज भी क्लिक कर लिए। यस गाइस, अब मुझे मेरा लुक कैसा लग रहा है, हमारी प्यारी लग रही है सानिया। हम तो क्लचर कर लिए, गर्मी हमारे खोल दी बाल शुरू कर दी है अंदर। 10 शिष्य उनके, इधर भी इधर। देखो उनके दाढ़ी में ना मधुमक्खी लग गया था। ऐसे लौट के अब हम लोग कहाँ जाएंगे? महाबोधि, महाबोधि टेम्पल। देखिए हम यहाँ पे रखते हैं अपना। हाय अम्मी। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग आकर आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं, तो इन्हें देख के मेरा भी मन कर गया। मेरा फेवरेट है हैव मोर का, 15 रुपए का ऑरेंज मेरा फेवरेट है। और ये अम्मी लिए आम कैंडी, हमको दे दीजिए फ्रेंड्स। हम लोग जस्ट अभी एक नहीं तो आम कैंडी, ये ऐसे करके फोटो लेते हैं। सो गाइज हम लोग एक और मोनेस्ट्री में आ चुके हैं, लेकिन ये बंद था तो बस बाहर से वीडियो बना लिए। कितना खूबसूरत है ये महाबोधि टेम्पल आए हैं, लेकिन अभी नहीं स्टार्ट हुआ और हम लोग से नहीं लगा क्योंकि हम अब्बू के साथ हैं। यस महाबोधि, हम एक बार आए हैं पहले यहाँ पे, फिर आ गया। सो गाइस हम लोग इंटर करने वाले हैं महाबोधि टेम्पल। बहुत ही ज्यादा फेमस है ये बोध गया का, बहुत ही पुराना है, बुद्ध गौतम बुद्ध के जमाने का। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जाइए फोटो तो खींचते हैं, कहाँ जाइएगा। देखिए गाइस टेंपल के अंदर का व्यू कितना खूबसूरत है, और ये कारीगरी देखिए आप, कितना ज़्यादा यूनिक है और सुंदर है। एंड अब हम लोग महाबोधि ट्री के पास चले गए हैं। यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं बहुत से लोग, और आप इसका इम्पोर्टेंस जानते ही होंगे, ये उसका सराउंडिंग एरियाज हैं। बट सच बताएं तो घूम के बहुत मज़ा आया हमको, पूरा का पूरा जो व्यू था बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। आई जस्ट, ये है वट्टाई बुद्ध गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सामान। अम्मी भी लेने की कोशिश करती थी, अब लोग अंदर चल रहे हैं, इनसाइड गाइस। वट्टाई मोनास्ट्री, बहुत ही खूबसूरत मोनास्ट्री का व्यू। पैसा दी मेरे फोन में, इतना अच्छा बादल आ रहा है आज, अभी बादल का सीन भी बहुत अच्छा है। अब हम लोग इस मोनास्ट्री के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे भक्त यहाँ पर अंदर आए हुए हैं। ऑलरेडी अम्मी अब्बू अयान भी हैं, तो हम भी थोड़ा सा वीडियो बना ले रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। नेशनल एम्बलम, अंदर जाने की एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप यहाँ पे मेटा बुद्धा को देख सकते हैं। देखते हैं अंदर जाने मिलता है कि नहीं। अब्बू का पावर देख, 20-20 रुपए का दो ठो प्यारा प्यारा, हाँ पंखा खरीदा। ड्रैगन चाइनीज वाला ड्रैगन, देखिए कितनी प्यारी सी, ऐसा पास से देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। ये सब फोटो भेज देना। ओह माय गॉड, कोई लड़का बोल रहा है ये सब फोटो भेज देना, क्योंकि आईफोन है अपन के पास। चल, हाँ पता है। ओह क्या सीन है, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये सीन गजब है। हमें अब्बू के पावर से एंट्री मिल चुकी है।
हम भी आ रहे हैं। हाँ मम्मी यहाँ भी बहुत मजा आ रहा है। गाइस हिल्स देखिए हिल्स। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। चल जाए यार। हिम्मत स्टेशन आ गए गाइस अचानक। पीठ का मूर्ति देखने आ गए हैं गाइस। 100 फीट के लेटे हुए बुद्धा जी। देखते हैं कैसा है। रियली रियली एक्साइटेड। एक बहुत हमने बोलो पिक्चरेस्क चीज देखने। हाँ ये गाइस ये एक ऐसा सीन है अद्भुत। क्या क्या बता रहे ये बहुत ही गजब सीन है। अल्लाह ताला मतलब कि एक बार में पूरा आ भी नहीं। वाइड एंगल। हाँ वाइड एंगल से गाइस आप देख सकते हैं ये है रिक्लाइन बुद्धा। सानिया का आप देख सकते हैं गाइस। अयान देखो बना ही तो रहे। आपी एकदम फास्ट दौड़ रही प्राय की वो अब एक्सेस कर चली। बहुत रिट्रीट जाने के लिए गांव के याद जाना पड़ा पूरा गांव पर। हाँ सानिया थोड़ा पोज दे रही है। कितना मस्त लग रहा था ये पोज। वापस से तो चूड़ी है रंग अरे चूड़ी रही है। अंदर 16 एकड़ में संबोधि रिट्रीट मनोज तिवारी बनाए हुए हैं। अब गाइस पता करते हैं जाके किधर क्या रुपया देना है कैसे घूमना है संबोधि रिट्रीट में। लेट्स स्टार्ट। वाओ ये कितना प्यारा है। देखो गाइस रिसेप्शन में जा रहे हैं। रिसेप्शन आई हम 300 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ देना होता है जो बाद में जाके जब हम लोग खाना खाते हैं लंच करते हैं तो उसमें जाके मैनेज हो जाता है। तो एक तरह से फ्री ही हुआ। और यहाँ का रिसेप्शन भी काफ़ी अमेजिंग और खूबसूरत है। ये हम लोग को टिकट्स मिल गया। कहाँ है बुद्धा? लोहा का सरिया पतला पतला लोहा का। हाँ ये कितना प्यारा। फोटो तो खिंचवा ही सकती हो। ये बच्चा लोग के लिए वो वीडियो बताया था वो बड़ा लोग के लिए। लो आयान पकड़ तो ये। दिस इज इट। कितना ही सुंदर पूल। ये बच्चों के लिए वो बड़ों के लिए बहुत ही खूबसूरत गाइस। बहुत ही खूबसूरत। कैसा जैसा आया था नीचे। अच्छा लेट रही हो आज आके। अच्छा पास से ले ले गाइस। देख लीजिए गाइस इसको। देखिए गाइस देखिए गाइस इसका व्लॉग व्लॉग। रिसेप्शन स्विमिंग पूल। इग्लू इधर है। इग्लू क्या हो रहा है इधर। चलो देखो यहाँ तो लिखा है वे टू रेस्टोरेंट। देखते हैं कौन सा। देखो ये है पिरामिड होटल। ये पिरामिड शेप का है। यहाँ पे रहने के लिए आदमी लगा सकता है। हर तरह का होटल होता है ये पिरामिड। यहाँ खेलने का बच्चा जगह ये दिखाया था बाद में। खेलने का फ्री का है पूरा। हाँ 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 ये अच्छा है यही वाला। अच्छा मिल गया हम लोग को कैफे। अच्छा है गुस्से के साथ है। अब सही बोल रहे थे घुसते के साथ है। यही रेस्टोरेंट। यही रेस्टोरेंट जाना है। वाओ अबू 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 ये मस्त है। एक आदमी दिखते है कितना। अम्मी यही रेस्टोरेंट है। मस्त सा कितना अच्छा बना हुआ पेंट है। हाँ ये चलते हैं इग्लू। हाँ इग्लू में जाएंगे। करता है फंक्शन देखिए गाइस। हम लोग फेस्टोस कैफे जो भी नाम है। यहाँ का इंटीरियर हम लोग वीडियो में देखे थे कुछ ज़्यादा ही मस्त है। नो वाओ गाइस नाइस वाइब्स। वाह वो आपकी फोटो खिंचा रही हैं। देखो ना कितना सुंदर कैप्शन है। इस टाइम पे संबोधि रिट्रीट के अंदर आ गए। इतनी सुंदर कैबिन है। पाव भाजी फोंड्यू जो कि आजकल बहुत चला है सब फूड ब्लॉगर का। पाव फोंड्यू किसका। हम लोग सोचे बेबी कॉर्न चिली खाने का थोड़ा चाइनीज़ में। फिर फ्राइड राइस 2 ऑर्डर किए और मंचूरियन ऑर्डर किए। हम लोग को 1500 कैसे भी सधाना है वरना वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट में ये बहुत टेस्टी लगा चिकन मलाई टिक्का। बहुत टेस्टी लगा। हम लोग को 1486 लगा। ये देख सकते हैं आप सानिया का रैंडम वीडियो बनाने पर सानिया गुस्साने लगती है। हम लोग इग्लू कैफे में जा रहे हैं।
सो गाइस पहले इसका बहुत नाम सुने थे बिहार का और बहुत ज़्यादा वीडियो वीडियो देखे थे, तो आप खुद से लाइव देखते हैं कि कैसा है ये इग्लू कैफे अंदर से। देखिए गाइस, दिस इज द इग्लू कैफे, दिस इज द प्राइवेट पूल गाइस, यहाँ पे जा रहे हैं, प्राइवेट पूल है और यहाँ पे आदमी 4000 में एक बुक कर सकता है रूम दो लोग के लिए। ये पता है, हाँ ना, मेरा दोस्त लोग ये पूरा बुक कर लिया था, पूरा रूम, मतलब यहाँ कुछ पार्टी किया था। हम लोग सोचे कि वापस जाने से पहले, क्योंकि हम लोग की ट्रेन 8 बजे, थोड़ा टाइम है हम लोग के पास, तो थोड़ा पार्क वार्क देख लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे संबोधि रिट्रीट में आगे बढ़ के पार्क वार्क को एक्सप्लोर करने का सोचे, तो चलते हैं, क्या क्या है देखते हैं। क्या फोटो, ये ट्री हाउस है, इसमें ऊपर फोटो खिंचवा सकते हैं, बहुत सुंदर है। वाह क्या मस्त बादल लग रहा है। या नीचे पंचिंग बैग भी है, पंचिंग पंचिंग बैग, अब बुझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, ट्री हाउस पंचिंग बैग आ गया। पंचिंग बैग भी ला रहे हम, देखते हैं जाके लोग बैठे। बाप रे गाइस, बादल देख सकते हैं। ये भी क्या है, ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या दिख रहा है। अरे ना ना, बादल देख लो वीडियो में, बादल देख लो मेरे, ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। हां ये एक अलग टाइप का, यहाँ पे आपको जाने लगे। हाँ इतना ही, और कुछ नहीं, आप यही है, ये सुंदर सा दिखते हुए आपको। लोगों को जाना है, हम लोग ट्री हाउस था, हम लोग ऊपर गए थे फोटो वोटो खिंचवाने, अब हम लोग लौटने वाले हैं गाइस, क्योंकि अबू को बोलना, अबू बोल दिए हैं कि ड्राइवर जो है उसका कुछ काम है ड्राइवर को, तो उसके चक्कर में पूरा संबोधि रिट्रीट घूम भी नहीं पाएंगे। उसके अंदर भी कुछ कुछ था गई, अरे वहां पे ही फोटो खिंचवाना था। लग रहा है कितना अच्छा ट्रिप हो गया गाइस, अब हम लोग जाने वाले हैं, थक गया बहुत ज्यादा, कमर दर्द कर रहा है। 15 सवा खाए बाबू, स्विमिंग पूल कोई बोलता होगा। नहीं नहीं नहीं, वो वीडियो में दिखाया, लेक लेक बोल रहा था कि इसमें बोटिंग वोटिंग नहीं होता है। यहां पे भी जाने का था, यापी हवाओं के साथ खिलखिलाते। हाँ दो ना, पोज दे रहे, फोटो खींचो, बोल बोल रही है गाइस। खाना चाहिए, मुँह में पस नहीं ना जाएगा, पस नहीं ना जाएगा बाबू मुँह में, छोड़ दो मत खाओ। खाली इधर देख लो, थोड़ा सा पूज मान दो, बेबी शट डू डू डू, बेबी शट डू डू डू, बेबी शट डू डू।